रॉयल संस्थान उदयपुर में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आज संडे, आपको पता है रॉयल संस्थान में सुबह 11, 12 फाउंडेशन या लॉन्ग ईयर के जो बच्चे होते हैं उनका टेस्ट चलता है। इसके अलावा शाम के टाइम जो कृषि पर्यवेक्षक के जो हमारे बैच चल रहे हैं उनका टेस्ट चलता है। आज का वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि कौन कौन से बैच ऐसे हैं जिनके टेस्ट अभी चल रहे हैं एट प्रेजेंट, और नए एडमिशन जो हो रहे हैं वो कौन कौन से ऐसे पेरेंट्स हैं, कहाँ कहाँ से पेरेंट्स कौन कौन सी क्लास के लिए एडमिशन लेने आ रहे हैं, मैं उनसे आपको मिलाने वाला हूँ। बहुत ही छोटा वीडियो बनाऊंगा लेकिन आपको उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। एक बार आइए, मैं जो आज की तारीख में जिन जो बच्चे संस्थान पढ़ रहे हैं जो टेस्ट दे रहे हैं उनसे मैं आपको एक बार मिलाता हूँ। आइए सर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बिल्कुल पास पास में बच्चे बैठे हैं और टेस्ट दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये भी दिमाग में रहता है कि इतने पास में बच्चे बैठे हैं तो कहीं ना कहीं आपस में चीटिंग तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक एक बच्चे से मिलाना चाहूँगा और फिर अपने को पता चलेगा कि वास्तव में ही इतने पास में बच्चों को क्यों बिठाया गया है। आप बताइए बेटा एक बार, कहाँ से आप? खानपुर झालावाड़। खानपुर झालावाड़ से? कौन से बैच में आप? लॉन्ग ईयर बैच में है। किसकी तैयारी कर रहे हैं, जेट की कर रहे हैं या जेट प्लस सीयूटी की? जेट प्लस सीयूटी बैच में है ये, और लॉन्ग ईयर की है, तैयारी करने आ गया है। इसका आज पहला टेस्ट हो रहा है। कब आए थे बेटा आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा, सिट डाउन। नेक्स्ट आप बताइए बेटा, आप कहाँ से हैं? कुचामन नागौर से हैं। कौन से बैच में आप? लॉन्ग ईयर बैच में। बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। आप बताइए बेटा, आप कहाँ से हैं? उदयपुर से हैं आप। आपका कौन सा बैच है? 12th PCM इंग्लिश मीडियम। बहुत बढ़िया। जैसा कि आपको पता है 12th फाउंडेशन एग्रीकल्चर बायोलॉजी और मैथमेटिक्स तीनों में हमारा इंस्टीट्यूट अभी 8% बहुत अच्छे से काम कर रहा है। इनका रिजल्ट मैंने आपको रिजल्ट के वीडियो में बताया था। ये PCM की, इसका मतलब उधर लॉन्ग ईयर की है और ये इधर PCM से। इससे पूछते हैं तेरा आज सब्जेक्टिव टेस्ट है या ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव है। अच्छा, बोर्ड पैटर्न के आधार पर क्या आपके टेस्ट लिए जा रहे हैं, वो कब होते हैं? अच्छा, एक संडे को जो है सब्जेक्टिव होता है और अगले संडे को ऑब्जेक्टिव होता है। बहुत अच्छा, सिट डाउन बेटा। आप बताएं, आप कहाँ से हैं बेटा? केकड़ी से। केकड़ी अजमेर से। आप कौन से बैच में हैं? लॉन्ग ईयर में। इसका मतलब क्लियर हो गया है, एक रो के अंदर लॉन्ग ईयर के बच्चे हैं, उसके बाद में 12th फाउंडेशन बैच के बच्चे हैं, और उसके बाद में वापस लॉन्ग ईयर के बच्चे हैं। बहुत बढ़िया है, सिट डाउन। अब आप देख सकते हो लॉन्ग ईयर 2024 जिन बच्चों का टारगेट है वो बच्चे काउंसलिंग का इंतजार नहीं कर रहे, उनको क्लियर है कि यदि कहीं काउंसलिंग के अंदर CUT या JET में सिलेक्शन होगा तो हम कॉलेज में चले जाएंगे, अदरवाइज 2024 में टॉप से टॉप यूनिवर्सिटी में जाएंगे। उसके लिए इनको समय चाहिए और ये समय रहते बैच ज्वाइन कर चुके हैं। आगे और मिलाता हूँ आपको बच्चों से। आप बताएं बेटा, आपका कौन सा बैच है? अच्छा, आप लॉन्ग ईयर बैच में। आप कहाँ से हैं? हनुमानगढ़ से। खूब दूर से आए, किसने गाइड किया आपको? अच्छा, आपने YouTube पर देखा। आपने देखा होगा आजकल सोशल मीडिया पे बच्चे देख के और कहीं ना कहीं ये पता करते हैं कि कौन सा बेस्ट से बेस्ट इंस्टीट्यूट है। इससे मीडियम पूछते हैं, इसका कौन सा मीडियम है, कौन सा मीडियम है? हिंदी मीडियम है, ये हिंदी मीडियम बेच की स्टूडेंट है। बैठिए बेटा, सिट डाउन। आओ कुछ बॉयज से बात कराते हैं पीछे। आप बताइए बेटा, आप कहाँ से हैं? बूंदी से। आपका कौन सा बैच है? लॉन्ग ईयर। आप भी लॉन्ग ईयर बैच से हैं। चलो फटाफट, कौन कौन कहाँ कहाँ से वही पूछता हूँ फटाफट। आप बताइए बेटा, केवल अपना डिस्ट्रिक्ट बताएंगे आप लोग? जी, सवाई माधोपुर। बहुत बढ़िया, बूंदी से, गुड। नेक्स्ट, पाली से, वेरी नाइस। राजसमंद से साक्षी पालीवाल, वही है जिसके 100% रैल आए थे CUT में और स्कूटी मिली थी। बैठी बेटा, झालावाड़ से। बहुत बढ़िया, पाली से, बूंदी से, सवाई माधोपुर, झालावाड़, भीलवाड़ा, झालावाड़ से, कोटा से, नागौर से, उदयपुर, नागौर से, कोटा से। आप पाली से? आप बताइए। नागौर से। उदयपुर, वेरी नाइस। आपकी कौन सी क्लास है? 12th PCM, वेरी गुड। आप बताइए बेटा, उदयपुर से। आप कहाँ से? धौलपुर से। बहुत बढ़िया, धौलपुर से।
अंशुल सर आपके धौलपुर से, आप बताइए। झालावाड़। झालावाड़ से, बहुत बढ़िया। अब क्योंकि मैं सबसे मिलाऊंगा तो वीडियो जो है बहुत बड़ा हो जाएगा। ये हमारा रूम नंबर एक है जहाँ बच्चे टेस्ट दे रहे हैं। अब मैं आपको आगे लेके चलूँगा ऐसे हमारे, और अभी ओवरऑल मैं एक बार चाहूँगा सर से कि हमारा पूरा रूम दिखाएं बच्चों को। हर रूम में एसी लगी हुई है, डिजिटल बोर्ड है और लाइव का सिस्टम है। सभी जो हमारी क्लासेज हैं सभी में लाइव सिस्टम है और पूरे हमारे जो क्लासरूम है पूरे व्यवस्थित है। अब मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ, ओवरऑल अभी हमारे 20 रूम है सब मिला के और सभी डिजिटल है। अब मैं आपको रूम नंबर दो में ले जा रहा हूँ जहाँ पेरेंट्स आए हैं एडमिशन कराने के लिए। तो अपन उनसे मिलते हैं कि भाई वो किसका एडमिशन कराने आए हैं और किन के कहने पर आए हैं। आइए, वेलकम। अब जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि आज बच्चे, कुछ बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, कुछ बच्चे नए एडमिशन के लिए आए हैं और कुछ आने वाले टाइम में आएंगे। कुछ स्कूल्स खुलने का वेट कर रहे हैं कि जैसे ही 22 जून 23 जून से स्कूल सब प्रॉपर ओपन हो जाएगी तब हम भी जो है तैयारी करने उदयपुर जाएंगे। मैं ये बता देना चाहता हूँ कि सही टाइम पर सही डिसीजन अगर आप लेते हो तो आपके चांसेस आगे बढ़ने के ज़्यादा हो जाते हैं। और यहाँ मैं आपको अभी उन पेरेंट्स और बच्चों से मिलाने जा रहा हूँ जो आज संडे को, क्योंकि आपको पता है कल से 12 तारीख से संस्थान में नए बैच चालू हो रहे जेट और सीयूटी के, और 12th फाउंडेशन के जो बच्चे उनके बिल्कुल सेपरेट बैच चालू हो रहे हैं उनके लिए आज दिन भर एडमिशन चलेंगे। अभी सुबह जो लोग आए हैं उनसे आपको मैं मिलाने जा रहा हूँ। सर आप बताइए बेटा, आप कहाँ से आए हैं? कोटा से। सबसे मेरी रिक्वेस्ट है थोड़ा सा आप जोर से बोलें ताकि सबके पास ये है अपनी आवाज़ अच्छे से जा सकें। कोटा से आप कौन से बैच में एडमिशन के लिए आए? एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में। बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। सुपरवाइजर का हमारा कल से 11वां बैच चालू होगा और आज उसमें एडमिशन होंगे। बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश, आप इनके साथ में आए, बहुत बढ़िया। आप बताएं बेटा, आप बताएं। अच्छा, 9th क्लास में आए। जैसा कि आजकल प्री फाउंडेशन का ट्रेंड चल रहा है रॉयल इंस्टीट्यूट के अंदर, 9th-10th से ही क्लासेज हमने हमारे दूसरा जो कैंपस है स्कूल का वहाँ से शुरू कर दी है। और 9th-10th की बिल्कुल बहुत कम फीस है, हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम, केवल 26,000 रुपये फीस है 9th क्लास की। और 10th क्लास की जो फीस है वो 27,000 रुपये है केवल। बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। आप कहाँ से हैं? इनके साथ में हैं, आप बताइए। सर, और 12th के साथ साथ बहुत बढ़िया। ये नागौर से हैं, क्या नाम है आपका? बगराज नाम है। आपको बता दूं ये 12th फाउंडेशन बैच में है, 12वीं के साथ में जेट और सीयूटी ये क्रैक करना चाहता है। आपको बता दूं जेईटी 2023 के अंदर हमारे यहाँ से ऐसे बच्चे जो 12वीं फाउंडेशन में थे उनके 368 349 358 मतलब 300 से ऊपर बच्चों की लाइन लगी पड़ी है, कहना चाहता हूँ। और इसके बाद में बोर्ड रिजल्ट की भी बात करूंगा, 12वीं में एबीसी पीसीएम पीसीबी वर्ग में 95% से ऊपर 8 बच्चे, 90 से ऊपर जो आपके कितने बच्चे 41, 85 से ऊपर 111 111 बच्चे, और 80% से ऊपर जो है हमारी संस्थान के जो बच्चे हैं उनकी संख्या 191 191 बच्चे। मतलब अगर बच्चा ठान ले और 12वीं के साथ में तैयारी करें तो एक साल बाद में उसको नहीं देनी पड़ेगी, 12वीं के साथ ही अच्छी यूनिवर्सिटी में पहुँच जाएगा। शाबाश बेटा, आप कहाँ से आए? बहुत बढ़िया। ये भी सीयूटी का मतलब है आईसीआर के अंदर जितनी भी टॉप यूनिवर्सिटीज है वो। पिछली बार आपने देखा होगा हमारा अमृत सिंह 12वीं के साथ में आईआरआई न्यू दिल्ली पहुंचा, और ये झुंझुनू से आई है सिकर की लाडली थी लास्ट ईयर सोनिका जाट, जो आईसीआर के अंदर पूरे देश के अंदर फर्स्ट रैंक लेके आई थी। किशन भाकर नागौर का जेईटी में भी फर्स्ट रैंक लेके आया और वो भी आईसीआर का एग्जाम देके आईसीआर में आईआरआई में चला गया। बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। अच्छा, बहुत बढ़िया। ये 2 साल से आया है और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बैच में एडमिशन लेगा। बैठो बेटा, मैं टोंक देवली से हूँ, मैं 12th के साथ सीट के लिए। ये भी 12th फाउंडेशन बैच में आया है और देवली टोंक से हैं। बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। आप बताएं, जेट के। ये भी अलवर से हैं और जेट का लॉन्ग ईयर बैच ज्वाइन करने जा रहा है। नेक्स्ट, कुछ नए पेरेंट्स हमारे बीच में हैं। आ जाइए सर, आ जाइए, आप आगे आ जाइए। आओ सर, आओ, आइए, आओ। कहाँ से पधारे सर आप? सिकर से। आप सीकर से आए हैं, कौन से बैच में एडमिशन करवाओगे आप?
टारगेट में, मतलब 12वीं पास आउट स्टूडेंट हैं और एक साल तैयारी करने के लिए गुड़िया को शिखर से लेके आए हैं। मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि अब नई शिक्षा नगरी आपका उदयपुर बनने जा रहा है। आपने देखा होगा शिखर, कोटा, जयपुर बहुत सारे लोग पढ़ने के लिए जाते हैं और जा भी रहे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक पढ़ाई का ज़बरदस्त माहौल चाहिए वो कहीं ना कहीं हम उदयपुर में बनाने की कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी हद तक हम कामयाब भी हुए हैं और उसका रिजल्ट आप देख पा रहे हो। सिक्कर, झुंझुनू के बच्चे अब उदयपुर की तरफ रुख कर रहे हैं, कंटिन्यू पढ़ने के लिए आ रहे हैं। इधर जो बच्चे हैं उनसे भी मिलाना चाहूँगा। आप कहाँ से बेटा? चित्तौड़ जिले से। आप चित्तौड़ से हैं, कौन से कोर्स में? 12th। हाँ, 12th विथ फाउंडेशन बैच में आया बेटा, शाबाश। आप बताएं बेटो, आप कहाँ से हैं? चित्तौड़ जिले। अच्छा, चित्तौड़ जिले से हैं। आप कौन से कोर्स में एडमिशन लोगे? 11th 12th एग्रीकल्चर। बहुत बढ़िया, 12th फाउंडेशन बैच में, एजी में, बहुत बढ़िया। आप बताएं बेटा, आप कौन से बैच में आए हो? 11th क्लास में। हम 11th के साथ ही फाउंडेशन बैच चालू कर देते हैं, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। आप कौन से बैच में आए? 11th फाउंडेशन बैच में ये बच्चा आया है, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। आप इनके साथ में आए होंगे, बहुत बढ़िया। आप इनके साथ में आए, आप बताइए। बहुत बढ़िया। आप सुपरवाइजर की तैयारी करने आ रहे हैं, रिपीट कर रहा हूँ, कल से सुपरवाइजर। इसके अलावा आपके लॉन्ग ईयर बैच और 11th 12th फाउंडेशन बैच के नए बैच चालू हो रहे हैं, शाबाश बेटा। बैठिए, आप कहाँ से बेटा? सवाई माधोपुर। किसकी तैयारी करोगे? ये भी JET की तैयारी करने वाले हैं, JET की तैयारी करेंगे। अच्छा, आपको रॉयल इंस्टीट्यूट की जानकारी कहाँ से मिली, कहाँ देखा आपके? आप उदयपुर ही कैसे आए? गंगापुर से। वहाँ ग्लोबल अकेडमी चलती है अक्षय सर की, जानते हैं आप? उसी में पढ़े थे। गंगापुर से आए हैं, वहाँ से जो सर है अक्षय सर, उनकी भतीजी मेरे पास अभी पढ़ के गई है, उसका नाम है आकांक्षा, आकांक्षा गर्ग नाम है। और उस बच्चे के 2023 के अंदर पूरी साल वो हमारे विवेकानंद हॉस्टल में गर्ल्स रही थी, पूरे राजस्थान के अंदर EWS में उसकी 4th रैंक है और उस बच्चे के 366 नंबर जो है JET 2023 के अंदर आए हैं। आप वहीं सवाईमाधोपुर गंगापुर सिटी में ग्लोबल अकेडमी करके अक्षय सर की चलती है, उसी स्कूल से आए हैं। उस स्कूल के कई बच्चे देश के अलग अलग टॉप यूनिवर्सिटीज में अभी एट प्रेजेंट पढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। आप? सर, मेरा नाम मुक्तन सिंह है, जामुन सिटी से आया हूँ। अच्छा, मेरे एक भतीजे का एडमिशन है 12th फाउंडेशन में और एक मेरे बच्चे का है एग्रीकल्चर JET के लिए। बहुत बढ़िया, आप कुचामन सिटी से आए हैं। मैं सर आपको बता देता हूँ आपकी जानकारी के लिए, मैं भी कुचामन सिटी से हूँ, पास में चाचा, आपको ऑलरेडी पता है, बहुत बढ़िया। कुचामन सिटी के पास में छोटा सा गांव है सरणपुरा, कालाबाटा की डाणी उसका, उसको इस नाम से भी बोलते हैं, वहाँ का मैं प्रॉपर रहने वाला हूँ। और 4 अप्रैल 2011 से हमारा संस्थान चल रहा है, बहुत अच्छे से, ईमानदारी से बच्चों को जो पढ़ाई के लिए बढ़िया माहौल चाहिए वो हम देने की पूरी कोशिश करते हैं और उसका नतीजा देख पा रहे होंगे कि राजस्थान के हर कोने से पेरेंट्स इस संस्थान पर विश्वास करके यहाँ छोड़ने आए हैं। अब मैं इन पेरेंट्स से कंटिन्यू बात करूंगा कि यदि आप इस लाडले को यहाँ छोड़ के जाते हो तो इस संस्थान की क्या जिम्मेदारियाँ रहेगी, इन बच्चों की क्या रहेगी और पेरेंट्स की क्या रहेगी, आगे मैं इनसे कंटिन्यू बात करूंगा। आप सबको इतना ही कहना चाहूंगा कि बिना टाइम खराब करें, जहाँ कहीं पर भी आपको लगता है कि ये बेस्ट इंस्टीट्यूट है तो उसको आपको ज्वाइन करना चाहिए। रॉयल संस्थान के लिए कि संस्थान कैसा है तो उसका एक ही परिणाम है, एक ही नतीजे पे आपको पहुंचना है कि पर्टिकुलर जिस संस्थान में आप भेज रहे हो उनका रिजल्ट कैसा है। तो ये जो YouTube चैनल आप हमारा देख रहे हो इसके ऊपर हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है रिजल्ट नाम से, आप वहाँ जाएं और पिछले 5 साल का लगातार, जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो वैसे मैंने कंटिन्यू 5 साल के रिजल्ट के वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। आप एक एक वीडियो देखें और आपको लगता है कि रॉयल संस्थान वास्तव में बेस्ट है, जो कि केवल एक बार नहीं कंटिन्यू सालों से बेहतरीन रिजल्ट दे रहा है, तो आपको एडमिशन संस्थान में करवाना चाहिए। हम नीट और JEE के लिए भी बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, पहले सेशन में हमने बहुत अच्छे रिजल्ट देने की कोशिश की है और ICR के अंदर तो 2022-22 के अंदर हमने 400 से ऊपर बच्चे देश के अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में पहुँचाए हैं। अगर मैं 21 की बात करूँ, 20 की बात करूँ, 19 की बात करूँ, देश की राजस्थान से कोई सी भी यूनिवर्सिटी क्यों न हो हमने मैक्सिमम सिलेक्शन दिए हैं। मैं JET 2022 की बात करूँगा, 23 का तो अभी कॉलेज अब बच्चों को मिलेगी, उसके अंदर RCA उदयपुर जिसकी सबसे ज़्यादा कट ऑफ होती है उसके अंदर रॉयल संस्थान से लगभग 50+ बच्चे सेलेक्ट होकर 2022-22 में गए हैं। पुनः मिलेंगे अगले किसी दूसरे वीडियो में, आपने पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।